बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनटीएस की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने पेपर शुरू किया था लैब असिस्टेंट का। ये पेपर आज यानी 25/12/2022 को हो चुका है ईटा के जरिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। पार्ट वन नंबर वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस वक्त इस पेपर का। पार्ट नंबर सेकंड अपलोड कर लेते हैं और आखिर में पूरे पेपर एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए पेज नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। पेपर टाइप सी है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू अ कोल्डर प्लेस विद और विदाउट हैविंग अ मटीरियल मीडियम इन बिटवीन इज कॉल्ड कंडक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर कॉपर इज 400। ऑप्शन सी यहां भी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 इन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 373। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एफ फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हुक्स लॉ। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेस्ड डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज विंबलडन। ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 19 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ हैज इट्स हेड ऑफिस इन नीदरलैंड हग। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 20 नाइपोन इज द फॉर्मर नेम ऑफ जापान। नाइपोन इज द ओल्ड नेम ऑफ जापान। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आइडेंटिफाई द कंट्री विच वॉज द रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, डेट वॉज क्रोशिया। और विनर जो था वो फ्रांस थे। इस साल 2022 में फ्रांस रनर अप और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखे, 22 सिंगापुर वॉज द प्रीवियस पार्ट ऑफ मलाइशिया। ऑप्शन सी है। और 23 नंबर क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 ग्राउंड स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, इट इज एसोसिएटेड विद टेनिस। ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन, रुको से उठने के बाद की हालत को कौमा कहते हैं। ऑप्शन ए है। और 26 नंबर क्वेश्चन,
वो हरूप जो इंसानों की समझ से मखफी रखे गए हैं क्या कहलाते हैं? हरूपी मुकत्तियात, ऑप्शन सी है। और कुरान मजीद में टोटल 29 हरूपी मुकत्तियात हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, तो आप दोस्तों ने बताना है। अगर मैंने तुक्का लगाना होता तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेता। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। द कायदे आजम प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का। शिमला डिप्यूटेशन ऑफ 1906 हैड द फॉलोइंग पर्पस। ये भी थोड़ा सा, द डिप्यूटेशन वॉज एडवाइज टू टेक एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिक्स, was directed to friendly this one to be home with Hindu for future election in the country Muslim community will get separate electorate। Correct option is option D है। Correct option is option D। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।